आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक हेड्स के बारे में, जो कि इतनी ज़िद्दी होती है कि निकलने को तैयार नहीं है। ब्लैक हेड्स क्यों होता है? वो जो सीबम हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक हेड्स के रूप में। इसके लिए हम घर बैठे बहुत आसान तरीका यूज़ कर सकते हैं और आपके ब्लैक हेड्स एकदम से गायब हो जाएंगे। सकते थे, हम तो पता ही नहीं था, पहले ही कर लेते, पर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। चलिए ये यूज़ करिए। इसमें मैंने सॉल्ट यूज़ किया है, कोलगेट यूज़ किया है, थोड़ा सा रोज़ वाटर भी मिक्स किया है। इसकी एक अच्छी थिक पेस्ट आपको बनानी है, बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि एक थिक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इससे आपके ब्लैक हेड्स ना हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन आपको वीक में एक बार ज़रूर करना है, तभी ये हो सकता है। तो चमत्कार नहीं है, इसे करना तो होगा एक बार वीक में। आप बहुत कुछ यूज़ करते हैं, टूल्स भी यूज़ करते हैं, कितनी बार तो हम हाथ भी लगा देते हैं जिससे ब्लड भी पॉप आउट हो जाते हैं, पर आपको ये सब करने से छुटकारा मिल जाएगा। बस ये करिए, एक अच्छे से सॉफ्ट ब्रश लीजिए, सर्कुलर मोशन में उसे घुमाना है अपने नोज़ पे, जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स हैं। आप देख रहे हो मेरे जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं, मैं वहाँ वहाँ इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। ज़्यादा हार्श नहीं करना है, वरना ही इरिटेशन भी हो जाएगी या रेडनेस हो जाएगी। प्लस स्लोली स्लोली करनी है, और ये आपको तब करनी है, पहले इसके आप स्टीम ले लीजिएगा ताकि ये आपकी स्किन है ना सॉफ्ट हो जाए और इजीली आपके ब्लैक हेड जब आप ये करो तो निकल आए। हल्की हल्की करनी है, बहुत सही तरीका है गाइस। मैं तो हमेशा वीक में एक बार अपनी स्किन को अच्छे से डीप क्लींस करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ब्लैक हेड्स होता है ना, ये एक्ने के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ऑयली स्किन वाले, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। आप देख सको कि बहुत स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सारे ब्लैक हेड्स निकल आएंगे। ये दूसरी रेमेडी है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने शुगर यूज़ किया है, थोड़ी सी हनी ली है, ये भी बहुत सही तरीका है। दोनों में से आपको कोई एक लेना है, इसकी भी एक थिक पेस्ट आपको बनानी है। आप क्रश्ड शुगर ले सकते हो और थोड़ा सा लेमन डालना है। लेमन आपको एस्ट्रोजेंट का काम करता है, बिल्कुल नेचुरल एस्ट्रोजेंट है, आपकी स्किन को लाइटनिंग में भी बहुत हेल्प करता है। भी एक थिक पेस्ट अपने नोज एरिया पे अच्छे से लगा लीजिए, जहां भी आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है। दोनों ही तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दोनों में से कोई एक करनी है, दोनों करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वीक में एक बार जरूर करिएगा तब भी फायदा होगा। अदरवाइज फिर आप बोलोगे कि प्रेरणा का फायदा ही नहीं हो रहा है, 10 मिनट से लगा के छोड़ना है। एक सॉफ्ट ब्रश लेनी है, इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसे भी घुमाना है, इसे अच्छे से घुमाइएगा ताकि आपके ब्लैक हेड्स निकल जाए। हार्श मत होना है, बस स्लोली स्लोली करना है। इसके बाद ठंडे पानी से इसे वॉश कर लीजिए ताकि जो आपके पोर्स ओपन हो गए थे उसे ठंडे पानी से धोने से वो बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे ब्लैक हेड्स अच्छे से निकल चुके हैं, मैं तो वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ, बहुत सही तरीका है, मतलब आई लव इट। उसके बाद एक कॉटन से अपना टॉवल लीजिए और उसको पैड ड्राई कर लीजिए। उसके बाद कोई भी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल अपने नोज एरिया पे लगा लीजिए, बेटर होगा कोकोनट ऑयल लीजिए क्योंकि वो क्रीजिंग नहीं होता है। आपकी स्किन बहुत हेल्दी है, स्किन से प्यार करिए और उसे हमेशा हेल्दी रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।